होली के मौके पर राजनीति का गरमाया रंग, उद्धव ठाकरे फिर बनेंगे पक्ष प्रमुख, नई पार्टी बनाने में जुटे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र समेत पूरे मुंबई में आज सुबह से दिख रहा है होली का जश्न, कई जगहों पर कल भी मनाई जाएगी होली। शबे बारात की भीड़ के लिए शहर तैयार, हाजी अली, भिंडी बाजार, शिवाजी नगर के कई रूटों पर 7 मार्च को चलेंगी 8 स्पेशल बसें। 7 और 8 मार्च की रात चर्चगेट विरार के बीच चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें। होली और शबे बारात को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। होली के मौके पर आज मेट्रो 2A और 7 के समय में किए गए हैं बदलाव। दोनों मेट्रो आज 3 बजे तक 15 मिनट के अंतराल पर और फिर 10 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। आज सुबह से ही मुंबई में छाए हैं काले बादल, तेज हवा के साथ सुबह से ही जारी है हल्की बारिश। पूरे महाराष्ट्र में तेज बारिश का अलर्ट जारी। मनसे के नेता संदीप देशपांडे पर हमला करने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। भांडुप पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपियों के लिए सर्च ऑपरेशन किया। मनसे के बड़े नेता वसंत मोरे के बेटे को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उद्धव ठाकरे से नहीं संभला मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री के वो दावेदार नहीं, रामदास आठवले ने उद्धव पर कसा तंज। संदीप देशपांडे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा, ट्वीट करके कहा, भावी प्रधानमंत्री संजय राउत ने उद्धव को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताया था। संजय राउत ने चुनाव आयोग को गाली देने पर दी सफाई, बोले चुनाव आयोग को सोच समझकर गाली दी, पूरा महाराष्ट्र चुनाव आयोग को गाली दे रहा है। होली को लेकर मुंबई पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, ना मानने वालों पर होगी कार्रवाई, 4,033 पुलिस कर्मी है पूरे मुंबई में तैनात। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का बड़ा फैसला, होली के दिन नहीं होगा ड्राई डे, शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश को किया रद्द। मुंबई से सटे डोंबिवली में होली के उत्साह के बीच फुग्गा मारने को लेकर युवकों का 2 गुट आपस में भिड़ा, जोरदार हुई मारपीट, मानपाड़ा पुलिस कर रही है मामले की जांच। बीजेपी नेता और अभिनेता मनोज तिवारी होली कार्यक्रम में हुए शामिल, अपने गीतों के जरिए सभी लोगों को दी होली की शुभकामनाएं। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ऑयल गिरने से कई दोपहिया वाहन के स्लिप होने की घटना हो रही है उजागर, घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन की ओर से नागरिकों के लिए अलर्ट जारी। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित होगा लाइट्स और साउंड के कार्यक्रम, कार्यक्रम में केवल महिलाएं होंगी शामिल, महिला बाल कल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दी जानकारी। मुंबई के तूफान में उड़ी आरसीबी, मुंबई की हुई धमाकेदार जीत, आरसीबी को 9 विकेट से हराया। मुंबई में आज सोने के दामों में आई गिरावट, सोना 56,350 रुपए तोला, चांदी 67,000 रुपए किलो। महाराष्ट्र के नासिक जिले के देवला तहसील में एक गांव के किसानों ने अपना पूरा गांव बेचने का किया निर्णय, खेती के सामानों का सही भाव न मिलने की वजह से किसानों ने लिया बड़ा फैसला।